2 जुलाई 1955 को जापान अमेरिकन फ्लाइट 914 ने 57 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा के लिए उड़ान भरी तो वो करीब 3 घंटे तक सही डायरेक्शन में उड़ने के बाद ये प्लेन अचानक से आसमान से गायब हो गया, जिसे मियामी में लगे रडार भी नहीं खोज पाया। लेकिन 37 साल बाद जाकर अचानक ये प्लेन फिर आसमान में दिखाई दिया, पर उस दौरान ये फ्लोरिडा में नहीं बल्कि लगभग 2200 किलोमीटर दूर वेनेजुएला के एयरपोर्ट पर लैंड करने जा रहा था, जिसे वहाँ मौजूद हर कोई देखकर हैरान रह गया। 21 मई 1992 की सुबह वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोग रोजाना की तरह अपने काम में लगे हुए थे, तब उन्हें अपनी आंखों के सामने आसमान में कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देख वो हैरान रह गए। दरअसल वो एक प्लेन था जो बिना रडार में आए हुए सीधा एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड होने जा रहा था, और जैसे ही वो प्लेन रनवे के करीब आया तब एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों ने देखा कि इसका मॉडल बहुत ही ज्यादा पुराना है जो आज के समय यूज नहीं किया जाता। जब ये प्लेन लैंड करने ही वाला था तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने इसके पायलट से रेडियो सिग्नल के जरिए संपर्क करने की कोशिश की, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ये रहस्यमय प्लेन आया कहां से है। जब पायलट से इस बारे में पूछा गया तब उस पायलट का कहना था कि ये फ्लाइट 914 है जो कि फ्लोरिडा में लैंड करने जा रहा है। ये सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उस प्लेन के पायलट को बताते हैं कि ये वेनेजुएला का एयरपोर्ट है, जिसके बाद वो पायलट शांत हो जाता है क्योंकि वो अपने डेस्टिनेशन से 2200 किलोमीटर दूर पहुंच गया था। जब ये प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तब उस दौरान और भी बहुत सी अजीब घटनाएं हुई, क्योंकि एयरपोर्ट के स्टाफ ने नोटिस किया कि इस प्लेन में बैठे सभी यात्री पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही वो एयरपोर्ट पर रखे मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स को बड़ी ही अजीब तरीके से देख रहे थे। कुछ समय की शांति के बाद अचानक से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फिर से इस प्लेन के पायलट की आवाज़ सुनाई देती है, जो घबराते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछता है कि आज कौन सा तारीख है। तब एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उसको बताते हैं कि ये 21 मई 1992 है, जिसको सुनने के बाद मानो उस पायलट को बहुत बड़ा झटका लगता है और वो तुरंत ही अपने कॉकपिट की खिड़की से बाहर झांकते हुए ग्राउंड क्रू से इशारों में ये कहता है कि अब उसे प्लेन लेकर वापस जाना है। जिस टाइम वो पायलट ग्राउंड क्रू की तरफ इशारा कर रहा था तब उसके हाथ से एक कागज का टुकड़ा एयरपोर्ट पर गिर गया, जिसके तुरंत बाद ही उस प्लेन ने फिर से उड़ान भरी और आसमान में गायब हो गया। इस घटना के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तुरंत ही अपने ऑफिस से बाहर आए और उन्होंने पायलट के पास से गिरे उस कागज के टुकड़े को रनवे से उठाया, जो साल 1955 का कैलेंडर था। अब ये सभी चीजें उस प्लेन के टाइम ट्रेवल की ओर इशारा कर रहा था। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत ना मिलने के चलते लोगों ने इसे टाइम ट्रेवल की घटना ही मानी। आपके मन में कई बार ऐसे ख्याल जरूर आए होंगे कि काश हम भी टाइम ट्रेवल कर पाते और अतीत में जाकर अपने अनचाही घटनाओं को बदल सकते, मगर आपको क्या लगता है, टाइम ट्रेवल का ख्याल क्या हमारे साइंटिस्ट को नहीं आया होगा? वेल, इतिहास में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र है जो दुनिया देखने के आपके नजरिए को पूरी तरह से बदल देगा। जैसे कि साल 1930 में एल्बी लेक नाम की यूएस नेवी ऑफिसर ने एक ऐसे सीक्रेट का खुलासा किया जिसको सुनकर पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। उसने बताया यूएस नेवी एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही है जिससे वॉरशिप्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ताकत से थोड़ी देर के लिए गायब किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इस एक्सपेरिमेंट को कोई और नहीं बल्कि खुद आइंस्टाइन डायरेक्टली ऑपरेट कर रहे हैं। ये बात है 1943 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान हिटलर के नाजी आर्मी कई अलग अलग तरह की टेक्निक्स का यूज करके नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, जिनमें मैग्नेटिक माइंस भी शामिल था, जिससे यूएस नेवी को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। हिटलर की इसी टेक्निक को फेल करने के लिए अमेरिका भी अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। इनमें से एक एक्सपेरिमेंट ऐसा भी था जिससे शिप रडार से पूरी तरह से गायब हो जाए। इस प्रोसेस में वॉरशिप्स के चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स लगाई गई थी ताकि उससे मैग्नेटिक माइंस को न सिर्फ चकमा दिया जा सके बल्कि शिप को रडार भी डिटेक्ट न कर पाए। वेल, इस एक्सपेरिमेंट को सफलता तब मिली जब फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने एक छोटी शिप पर इस टेक्निक को टेस्ट करके दिखाया, मगर जब इस एक्सपेरिमेंट को बड़े वॉरशिप्स पर अंजाम देने का समय आया तब निकोलाई टेस्ला अननोन रीजंस के चलते पीछे हट गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जेवी नॉर्मन नाम के दूसरे साइंटिस्ट को सौंप दिया। इस एक्सपेरिमेंट की मदद से यूएस ने भी यूएसएस एल्ड्रिच नाम के वॉरशिप को न सिर्फ रडार से गायब बल्कि पूरी तरह से इनविजिबल करने वाली थी, जैसा एवेंजर्स के अंदर हेला कैरियर इनविजिबल होते हुए दिखाया गया था। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। 12 अगस्त 1943 को इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया गया फिलाडेल्फिया डॉकयार्ड पर। एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक से ग्रीन कलर की बादल सामने आई
और उसने वॉरशिप को पलक झपकते ही अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद ये शिप कुछ समय के लिए नजरों के सामने से गायब हो गई। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी वर्कर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब उनको असली शॉक तब लगा जब पता चला कि यूएसएस एल्ड्रिज को 450 किलोमीटर दूर अमेरिका के किसी दूसरे शिपयार्ड नॉरफोक पर देखा गया, और कुछ देर बाद वापस से ये शिप फिलाडेल्फिया लौट आया। एलबिलक के मुताबिक यूएसएस एल्ड्रिज का अचानक से गायब हो जाना और कुछ घंटों के बाद दोबारा उसी जगह वापस आ जाना निकोलाई टेस्ला के जीरो टाइम रेफरेंस जनरेटर की बदौलत पॉसिबल हो पाया था। साइंस की भाषा में कहे तो ये टेक्निक धरती के मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से ऑपरेट करती है कि ट्रैकिंग डिवाइस किसी चीज को डिटेक्ट करने की जगह हमारी मैग्नेटिक फील्ड को ही डिटेक्ट करने लगती है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो सभी ट्रैकिंग डिवाइसेस के लिए यूएसएस एल्ड्रिज गायब हो चुका था। मगर चौंकाने वाली बात तो तब सामने आई जब एल्बिलेक ने कहा कि यूएसएस एल्ड्रिज कुछ घंटों के लिए गायब जरूर हुआ था, पर उस समय वो एक सफर करके वापस आया और वो सफर था टाइम ट्रेवल का। ये सुनने में भले ही शॉकिंग लगे, पर असलियत में इस एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर फ्रैंकलिन रेनो ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की यूनिफाइड फील्ड थ्योरी का इस्तेमाल करके डेमोन्स्ट्रेट किया था, जहां पर उसने दिखाया कि ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो फर्स्ट टेस्ट में यूज किए गए स्मॉल शिप रडार से इनविजिबल हो तो गई थी, लेकिन उस सफलता को देखने के बाद यूएस नेवी ने यूएसएस एल्ड्रिज को पूरी तरह से गायब करने का फैसला किया। हालांकि ये फर्स्ट टेस्ट में जब ये स्मॉल शिप रडार में फिर से वापस दिखने लगा, तब इसके क्रू मेंबर्स में हेडेक और वॉमिटिंग दिखाई दिया और उनमें से कुछ गंभीर रूप से बीमार हो गए। लेकिन पहले अटेम्प्ट में हुई इस गड़बड़ी को अमेरिकन नेवी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। अब जब सेकंड टेस्ट के दौरान यूएसएस एल्ड्रिज गायब होने के बाद फिर से फिलाडेल्फिया वापस लौट आया, तब उस दौरान इसमें बैठे कुछ क्रू आग में बुरी तरह से जल चुके थे। इनमें से कुछ बहुत ही भयंकर तरीके से बीमार हो गए थे, साथ ही बाकी क्रू मेंबर्स शिप के मैटर के साथ इस तरह से जुड़ चुके थे कि मानो उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही शिप के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ एक हो चुका है। एल्बिलेक का कहना था कि वो और उसका भाई उस जहाज के क्रू मेंबर्स थे और टाइम वार्प के दौरान वो दोनों 40 साल आगे यानी 1983 के टाइमलाइन में लॉन्ग आइलैंड पर बने हुए एक सीक्रेट गवर्नमेंट फैसिलिटी पर जा पहुंचे। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक ये माना गया है कि ब्रह्मांड में 4 डायमेंशंस है, लेकिन इस घटना के बाद एल्बिलेक ने एक और बात दुनिया के सामने रखी कि हमारा ब्रह्मांड 4 नहीं बल्कि 5 डायमेंशन से बना है, जिसमें 4th एंड 5th डायमेंशन टाइम है। हर इंसान एक पर्टिकुलर टाइमलाइन में लॉक होता है, जिसकी वजह से कोई भी इंसान दूसरे टाइमलाइन में नहीं जा सकता। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से टाइमलाइन सेपरेट हो गया था, जिससे एक वर्म होल क्रिएट हुआ। इसी के चलते एल्बिलेक और उसका भाई किसी और टाइम में चले गए, यानी कि 40 साल फ्यूचर में। भले ही सुनने में किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लगती हो, पर ये खुलासा खुद एल्बिलेक ने किया था। एल्बिलेक और उसका भाई जब वो दोनों लॉन्ग आइलैंड पर पहुंचे, तब वहाँ मॉन्टॉक प्रोजेक्ट चल रहा था, जिसमें साइंस आगे बढ़ाने के लिए मॉडर्न साइंस एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। माना जाता है कि इस प्रोजेक्ट में ब्लैक होल सिमुलेशन और वेदर कंट्रोल जैसे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, जिनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ऑब्जेक्ट्स को मेटेरियलाइज करते हुए भी पाया गया, जिसका मतलब कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो वो चीज खुद ब खुद आपके सामने क्रिएट हो जाती है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स में तो टेलीपोर्टेशन और ब्लैक होल क्रिएशन जैसे रिजल्ट भी पाए गए। हालांकि फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट में जो भी शामिल था, उस हर एक व्यक्ति की मेमोरी इरेज कर दी गई थी, पर फिर भी कुछ लोगों का मानना था कि उनके दिमाग में उस प्रोजेक्ट की कुछ धुंधली यादें अब भी मौजूद थी। शायद वही यादें एल्बिलेक दुनिया को बता रहा था। ये वो सच्चाई है जिसे दफनाने की कई बार कोशिश की गई। मगर एक चीज जो अब तक क्लियर नहीं हुआ कि क्या इस एक्सपेरिमेंट में वाकई में जहाज टाइम ट्रेवल कर चुका था। वेल, इस एक्सपेरिमेंट के बाद एल्बिलेक को डिमेंटिया से डायग्नोज किया गया, जो भूलने की एक मानसिक बीमारी है, जिस वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि उनका बचपन में साइंस फिक्शन को लेकर पागलपन डिमेंटिया के साथ मिलकर उनके मेमोरी गैप्स को फिल करने की कोशिश कर रहा हो। कुछ लोग मानते हैं कि एक असली घटना है जिसे सीक्रेट रखा गया है, और इसी के चलते एल्बिलेक को डिमेंटिया से डायग्नोस किया जा रहा है, जिससे इस एक्सपेरिमेंट की सच्चाई लोगों के सामने ना आ पाए। पर इसकी असली सच्चाई क्या है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। हो सकता है हम फ्यूचर में इस विषय पर कोई नई जानकारी हासिल कर पाए, लेकिन तब तक के लिए ये एक्सपेरिमेंट एक राज बनकर ही रह जाएगा। लेकिन आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? क्या आपको ये पूरी घटना सिर्फ एक साइंस फिक्शन कहानी लगती है, या फिर ये पूरी की पूरी सच्ची घटना पर आधारित है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और इस वीडियो में हम 3000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, देखते हैं पूरा होता है कि नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ।
तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।